गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू किड्स अरस। तो बच्चों सीधे के जी की क्लास में आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम अलंकार स्वरचना पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा है पेज नंबर 15। ठीक है, तो पेज नंबर 15 में लिखा है कि उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो बच्चों उचित मात्रा लगा के शब्द पूरे करना, इसका मतलब हमें मात्रा लगानी। तो अब तक मैंने आपको ओ आ छोटी ई और बड़ी ई ये सिखाया था, ठीक है ना। तो आज हमें आ छोटी ई और बड़ी की मात्रा पेज नंबर 15 में है जो वर्ड्स दिए उसमें लगानी है। तो कैसे लगानी है और फिर कैसे बोलना है वो सिखाती हूँ। तो बच्चों हमारा पेज नंबर है 15 और उसमें हमें क्या करना है, उचित मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करना है। तो सबसे पहले कौन सा चित्र दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पे, गाय का। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग और य, तो हमें यहाँ पे कौन सी मात्रा लगानी, ग को आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा गा य। ठीक है, फिर है यहाँ पे चित्र मछली का, यहाँ पे लिखा है म छ ल। ठीक है, तो मछली का चित्र है तो हमें म छ और ल को कौन सी मात्रा लगाएंगे, हम ल को बड़ी की मात्रा लगाएंगे ली, तो हो गया मछली। उसके बाद है यहाँ पे गिलास का चित्र, लिखा है यहाँ पे ग लास। ठीक है, तो अंगों को छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा को छोटी की मात्रा घी, लकवा की मात्रा ला और स, घी ला स। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लड़की का चित्र है, लिखा है यहाँ पे ल ड को। ठीक है, तो लड़की है तो को को हमें ई की मात्रा लगानी है तो हो जाएगा ल ड की, को बड़ी की मात्रा की। उसी तरह यहाँ पे चित्र दिया है छाते का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, छ और त लिखा है तो हम लिखेंगे छाता, तो छ को आ की मात्रा लगाएंगे और त को भी आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, छ को आ की मात्रा छा और त को आ की मात्रा ता, तो हो गया छाता। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे सितार का चित्र दिया हुआ है और लिखा है यहाँ पे सतार, तो सतार है तो हमें स को ई की मात्रा लगानी, तो स को छोटी की मात्रा सी, त को आ की मात्रा ता और र, तो हो गया पूरा वर्ड सितार, ये शब्द पूरा हो गया। हमें उचित मात्रा लगानी है। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे है तकिया, चित्र यहाँ पे तकिया का दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा है त क और या, तो त है और क को हमें लगानी है छोटी ई की मात्रा, तो हो जाएगा त क को छोटी की मात्रा की और ये क की मात्रा या, तकिया। उसी तरह यहाँ पे चित्र दिख रहा है कार का, लिखा है कर, तो क को हम लगाएंगे आ की मात्रा तो हो गया का और र। उसी तरह यहाँ पे है घड़ी का चित्र, तो घ और ड दिया है तो द को हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा घ डी। ठीक है, जो चित्र दिया है उसको उचित मात्रा लगानी है बच्चों। अब हमने नोटबुक में छोटा उ की मात्रा सीख ली है, ठीक है ना, तो अब हम टेक्स्ट बुक में छोटा उ की मात्रा है वो सीखेंगे। तो पेज नंबर हमारा जो 16 है उस पर है छोटा उ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कौन सा चित्र है ये, पुल का, तो प को छोटा उ की मात्रा पू ल। फिर है चित्र मुनि का, तो म को छोटा उ की मात्रा मु और न को छोटी की मात्रा नी, मुनि। उसी तरह यहाँ पे है कुली का चित्र, तो क को छोटा उ की मात्रा कु और ल को बड़ी की मात्रा ली, कुली। फिर है यहाँ पे गुड़ का चित्र, तो ग को छोटा उ की मात्रा गु और ड, तो क्या हो गया गुड। तो इसी तरह आपको पहले ट्रेस करना है फिर लिखना है, तो पहले हम लिख यहाँ पे ट्रेस करेंगे, पहले लिखेंगे हम प, प को छोटा उ की मात्रा पू और ल। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेसिंग। फिर यहाँ पे है मुनि, तो हम लिखेंगे म, म को छोटा उ की मात्रा मु, न, न को छोटी की मात्रा नी, हो गया मुनि। ये ट्रेसिंग लाइन पहले कंप्लीट करनी है हमको बच्चों। फिर है यहाँ पे क, क को छोटा उ की मात्रा कु, ल, ल को बड़ी की मात्रा ली, कुली। उसी तरह यहाँ पे चित्र है गुड़ का, तो हमें ट्रेसिंग लाइन में लिखना है ग, फिर ग को उ की मात्रा गु और फिर ड, ये हम ट्रेसिंग लाइन कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया गुड। अभी ट्रेसिंग लाइन कंप्लीट हो गई, अब हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प, फिर प को उ की मात्रा पू और फिर हमें लिखना है ल। ठीक है, ये छोटा हुआ बच्चों, तो हो गया पुल। उसी तरह यहाँ पे है मुनि, तो म को छोटा उ की मात्रा लगाएंगे हम, तो पहले लिखेंगे हम म,
म को छोटा की मात्रा मु, फिर लिखेंगे हम न, न को छोटी की मात्रा नी, मुनी। उसी तरह यहाँ पे कुली का चित्र है, हमें लिखना है यहाँ पे पहले क, क को छोटा की मात्रा कु, फिर लिखेंगे हम ल और ल को बड़ी की मात्रा आएगा कुली। ठीक है बच्चों, उसी तरह यहाँ पे गुड़ का चित्र है तो हम लिखेंगे पहले ग, ग को छोटा की मात्रा गु, फिर आएगा ड, तो हो गया गुड। तो पहले क्या करना है बच्चों, आपको ट्रेसिंग करनी है और फिर लिखना है। अब नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे चित्र है गुलाब का, तो ग को उ की मात्रा गु, ल को की मात्रा ला और ग, तो यहाँ पे कौन सी उ की मात्रा है, छोटी की मात्रा, गुलाब। फिर यहाँ पे पुजारी का चित्र दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है प को छोटी की मात्रा पू, ज को की मात्रा जा और र को की मात्रा री, पुजारी। फिर है कछुए का चित्र, तो क, छ को छोटा उ की मात्रा छू और आ, तो क छू आ। उसी तरह यहाँ पे साबुन का चित्र है और लिखना है यहाँ पे हमें स को की मात्रा सा, ब को छोटा की मात्रा बू, न साबुन। तो पहले क्या करेंगे, ट्रेसिंग लाइन का रहेंगे, तो हम लिखेंगे पहले ग, ग को छोटा की मात्रा गू, फिर लिखेंगे हम ल, ल को की मात्रा ला, उसके बाद आएगा ब, तो क्या हो गया पूरा वर्ड, गुलाब। ठीक है बच्चों, ये ट्रेसिंग की। फिर है प, प को छोटा की मात्रा पू, फिर आएगा ज, ज को आ की मात्रा जा, उसके बाद आता है र, र को ई की मात्रा री, पू जा री। उसी तरह यहाँ पे कछुए का चित्र है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रेस करेंगे क, फिर छ, छ को छोटा की मात्रा छू, फिर आएगा आ, कछू आ। ठीक है, ये हमने कछुआ ट्रेसिंग किया। अब है साबुन का चित्र, हमें यहाँ पे ट्रेस करना है स, स को आ की मात्रा सा, फिर आएगा ब, ब को छोटा की मात्रा बू और न, ये हो गया साबुन। तो ये छोटा की मात्रा की पूर्ति हम कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। अभी यहाँ पे हमें लिखना है, ये ट्रेसिंग लाइन कंप्लीट हो गई, अब हम लिखेंगे यहाँ पे गुलाब। तो लिखेंगे पहले हम ग, ग को छोटा की मात्रा गु, फिर आएगा ल, ल को आ की मात्रा ला और फिर आएगा ब, गुलाब। ठीक है, अब पुजारी का चित्र, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले प, प को छोटा की मात्रा पू, फिर हम लिखेंगे ज, ज को आ की मात्रा जा और र, र को ई की मात्रा री, हो जाएगा ऊ जा री। ठीक है, फिर है कछुए का चित्र, तो हमें यहाँ पे लिखना है क, फिर छ, छ को छोटा की मात्रा छू, फिर लिखेंगे हम आ, क छू आ। ठीक है, अब है यहाँ पे साबुन का चित्र, तो हमें लिखना है यहाँ पे स, स को आ की मात्रा सा, फिर हम लिखेंगे ब, ब को उ की मात्रा बू और न, साबुन। तो क्या किया हमने, पहले पेज नंबर 16 पे सारी की मात्राएं है जो देखी पढ़ी, फिर उन्हें ट्रेस किया और फिर उसे लिखा है। ठीक है, इसी तरह हमारा पेज नंबर जो 17 है वो भी हमें कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे चित्र दिया है बुलबुल का, तो यहाँ पे लिखा है ब को छोटा उ की मात्रा बू ल, फिर ब को छोटा उ की मात्रा बू ल, तो बुलबुल। उसी तरह यहाँ पर फुलवारी का चित्र दिया है, तो फ को की मात्रा फू, ल व को की मात्रा वा और र को की मात्रा री, फुलवारी। फिर फुटबॉल का चित्र दिया है बच्चों, फ को की मात्रा फू, ट व को की मात्रा बा ल, फू ट बा ल। ठीक है, फिर है यहाँ पे फुटपाथ का चित्र, तो यहाँ पे लिखा है फ को छोटा की मात्रा फू, ट व को की मात्रा पा और स, फुटपाथ। तो जो चित्र दिए हुए हैं उसके नीचे हमें वर्ड भी दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, फिर क्या करना है हमें ट्रेस करना है, फिर लिखना है। देखिए अभी यहाँ पे बुलबुल का चित्र दिया है और लिखा हुआ है बुलबुल, तो हमें ट्रेसिंग लाइन में करना है पहले ब, ब को छोटा की मात्रा बू, फिर लिखेंगे ल, फिर से आएगा ब, ब को छोटा की मात्रा बू और फिर आएगा ल, तो ये हो गया बुलबुल। ठीक है, फिर है यहाँ पे फुलवारी, तो हम लिखेंगे पहले फ, फ को छोटा की मात्रा फू, फिर आएगा ल, व को की मात्रा वा और फिर आएगा र, र को ई की मात्रा री, तो क्या हो गया पूरा फुलवारी। उसी तरह यहाँ पे फुटबॉल, तो हम लिखेंगे पहले फ, फ को छोटा की मात्रा फू, फिर आएगा ट, फिर आएगा व को आ की मात्रा बा और फिर आएगा ल, फुटबॉल। ठीक है, ये फुटबॉल कंप्लीट। अब है फुटपाथ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ, फ को की मात्रा फू, ट पको की मात्रा पा और फिर आएगा थ। ठीक है ना, फुटपाथ। तो ये ट्रेसिंग हमने किया, तो आपको यहाँ पे दो बार ट्रेसिंग करना है बच्चों। ठीक है, पेज नंबर 17 पे आपको दो बार ट्रेसिंग करना है, दो बार लिखना है। तो मैंने एक बार आपको ट्रेसिंग करके दिखा, अब एक बार लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम ब, बको की मात्रा बू,
फिर ल, वापस लिखेंगे ब, बको की मतलब वो, और फिर लिखेंगे ल, तो हो गया बुलबुल। ठीक है, अब यहाँ पे फुलवारी का चित्र ट्रेसिंग हमने किया फुलवारी पे। अभी हम लिखेंगे फ, फको की मात्रा फू, ल वको की मात्रा वा, रको की मात्रा री, फुलवारी। ठीक है, फिर यहाँ पे फुटबॉल का चित्र है, हमने एक बार फुटबॉल ट्रेसिंग किया। अब हम लिखेंगे फू, फको की मात्रा फू, ट वको की मात्रा बा, और ल, तो आपको उ की मात्रा कौन सी है, छोटा उ की मात्रा है। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे फुटपाथ ट्रेसिंग किया है हमने। अब लिखेंगे फ, फको छोटा उ की मात्रा फू, फिर लिखेंगे ट, फिर लिखेंगे पको की मात्रा पा, और फिर लिखेंगे हम थ, फुटपाथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, दो बार ट्रेसिंग भी करना है, दो बार लिखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे उ की मात्रा लगा कर शब्द पूरे कीजिए। ठीक है ना, तो हमें उ की मात्रा लगा के शब्द पूरे करने हैं पेज नंबर 17 पे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पुल का चित्र दिया हुआ है बच्चों, और आपके बुक में दिया होगा प ल, तो हम प को छोटा उ की मात्रा पुल लगाया, फिर हो जाएगा ल पुल। फिर यहाँ पे कछुआ है, कछुए का चित्र है, तो आपको दिया होगा क छ आ, तो हमें छ को उ की मात्रा लगानी, तो क्या हो जाएगा कछुआ। उसी तरह यहाँ पे गुलाब का चित्र दिया होगा, और आपके बुक में लिखा होगा ग लाभ। ठीक है, तो आपको ग को छोटा की मात्रा गुल लगाना है, तो हो जाएगा गुलाभ। फिर है बुलबुल का चित्र, आपको दिया होगा बलबल। ठीक है, तो आपको ब को छोटा की मात्रा बुल लगाना है, फिर ल है, फिर वापस ब को छोटा की मात्रा बुल लगाना है, फिर हो जाएगा पूरा बुलबुल। तो बच्चों, अब हमने पेज नंबर 15, 16 और 17 किया। अब हम पेज नंबर 18 पे आएंगे, जहाँ पे हमें यहाँ पे पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है गुड़िया आ सुराही ला और पानी भर। ठीक है, तो गुड़िया आ सुराही ला पानी भर, ये हमें पहले क्या करना है, ट्रेस करना है, फिर लिखना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ट्रेस करेंगे, तो लिखेंगे हम ग को उ की मात्रा गु, फिर हम लिखेंगे ड, ड को इ की मात्रा डी, य को आ की मात्रा या गुड़िया। ठीक है, क को छोटा की मात्रा गु, ड को बड़ी की मात्रा डी, और य को आ की मात्रा या गुड़िया। तो यहाँ पे ट्रेस कर लिया, फिर अब हम लिखेंगे आ गुड़िया आ, फिर आएगा स, स को छोटा की मात्रा सु, र को आ की मात्रा रा, और ह को बड़ी की मात्रा ही। ठीक है, सुराही। फिर लिखना है ला, तो गुड़िया आ सुराही ला, यहाँ तक हमने ट्रेस कर दिया। अब हम लिखेंगे प, प को आ की मात्रा पा, न, न को ई की मात्रा नी, पानी। तो गुड़िया आ सुराही ला पानी, यहाँ तक हमने ट्रेस किया। अब हम लिखेंगे भ र। ठीक है, तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस, गुड़िया आ सुराही ला पानी भर, ये ट्रेस किया। अब हम खुद से लिखेंगे, दो बार आपको ट्रेस करना है, फिर लिखना है बच्चों। ठीक है, लिखेंगे हम ग को की मात्रा ग को छोटा की मात्रा गु, फिर लिखेंगे ड, ड को छोटी की मात्रा डी, फिर य को आ की मात्रा यहाँ, तो क्या हो गया ये पूरा गुड़िया। ठीक है, फिर लिखना है हमें गुड़िया आ सुराही, तो स को उ की मात्रा, स को छोटा उ की मात्रा सु, र को आ की मात्रा रा, और ह को बड़ी की मात्रा ही। ठीक है, गुड़िया आ सुराही। अभी लिखेंगे हम ल, ल को आ की मात्रा ला, सुराही ला, फिर प, प को आ की मात्रा पा, और न, न को बड़ी की मात्रा नी, फिर आएगा भ और र। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ है बच्चों, गुड़िया आ सुराही ला और पानी भर।